अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद और आप लोग देख रहे हैं SAC के किचन से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। आज की जो रेसिपी जिसमें हमने SAC का प्रोडक्ट वनीला एसेंस हमने यूज़ करना है, और वनीला एसेंस आप लोग जानते हैं पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, SAC के ही पाउडर फॉर्म में वनीला एसेंस भी मौजूद है, लेकिन आज हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए फ्रूट वनीला संडे। और इसके लिए ना तो हमें क्रीम चाहिए ना हमें दूध चाहिए, इसको हम बनाएंगे योगर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हमें योगर्ट लिया है, दही तकरीबन मेरे पास मौजूद है 1/2 kg। इस 1/2 kg योगर्ट में हम शामिल करेंगे जनाब तकरीबन 2 cups हम पिसी हुई चीनी, 2 cup पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये 2 cup से ज़्यादा भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आपका दही ज़रा ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप इसको चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स हम कर लेंगे। फ्रूट टिन आप इस्तेमाल कर लीजिए, या फ्रेश फ्रूट आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें बनाना, चीकू, एप्पल और उसके साथ कीवी, ये सारी फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने 2 cup तो ऐड किया है इसमें चीनी के, और उसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, तकरीबन 3/4 cup के करीब ये हमने इसमें ऐड कर दिया है कंडेंस मिल्क। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस को हम ऐड करेंगे इसमें, ये मेरे पास तकरीबन 1 teaspoon, ठीक है। अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि कंडेंस मिल्क और SAC एसेंस जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अच्छा, अगेन इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे, परफेक्ट। और अब इसमें हम डाल देंगे ये फ्रूट्स, पूरा 1 tin ये हमने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। और हमारे पास डेजर्ट जो है वो वनीला फ्रूट संडे तैयार। ठीक है जी, तो आपने देखा बहुत ही सिंपल मज़ेदार सा ये डेजर्ट, और बहुत ही सस्ता कि इसमें योगर्ट है, ठीक है, दही है, और बड़ा लाइट है। इसको अब आपने खूब चिल करना है, जितना आप इसको चिल करेंगे उतना ही ये आपको मज़ेदार लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग करेंगे इसके साथ। अगर आपके पास कोई भी चंक्स मौजूद हैं, मेरे पास चॉकलेट चंक्स हैं, तो मैं इसको चॉकलेट चंक्स के साथ गार्निश कर दूँगा। आप कोई और आपके पास मौजूद हैं चंक्स, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आए। चलिए, तो हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट है, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।